हे गाइस, दिस इज श्रेयस और स्वागत है आपका मेरे चैनल रसोई मसाला में। तो दोस्तों, आज हम लोग ऐसा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो बड़ी ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, खाने में भी हल्का होता है और दोस्तों टेस्ट तो मतलब बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आज ना हम लोग बनाते हैं वेजिटेबल रवा इडली। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग ये वेजिटेबल रवा इडली कैसे बनाएंगे। मगर उसके पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले ना हम लोग गैस चालू करके एक पैन रखेंगे जिसमें हम लोग अपना तड़का तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें दोस्तों 1 टीस्पून राई डालेंगे, यानी कि मस्टर्ड सीड्स। फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून उड़द दाल और 1 टेबलस्पून चना दाल। इसके साथ में दोस्तों हम थोड़े से काजू लेंगे जिसको हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से पका लेना है, अच्छे से भून लेना है। मतलब जैसे ये थोड़ा सा भून जाए तो अब इसके बाद ना हम लोग इसमें चॉप किए हुए कड़ी पत्ता और चॉप्ड हरी मिर्च डालेंगे। दोस्तों अगर आप कड़ी पत्ता को चॉप करके डालेंगे ना तो बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा इडली में। अब इसके बाद हम लोग इसमें रवा डाल देंगे। तो अब यहाँ पर ना मैंने 1 कप रवा लिया है। तो रवा को तड़के में मिलाने के बाद ना दोस्तों हल्का थोड़ी देर भून लेना है, इससे बड़ी ही अच्छी इडली बनेगी। तो कम से कम मैंने 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लिया है। अब भूनने के बाद इसको हम लोग एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे भून के तैयार है। अब इसको एक बोल में निकाल लो, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। और जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए तब तक अपनी सब्जियां तैयार कर लेते हैं काट के। तो सबसे पहले ना इसमें मैं चॉप्ड किए हुए थोड़े से प्याज डालूंगा। 1 प्याज को मैंने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। अब दोस्तों इसमें हम चॉप्ड किए हुए टमाटर डालेंगे। फिर थोड़ी सी गाजर है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। सेम उसी तरह से शिमला मिर्च हम डाल देंगे। और फिर आखिरी में दोस्तों हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालें और सारी सब्जियों को ना अच्छे से मिला लें। अब आप चाहें तो इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मटर हो गए, पालक हो गई, या अपने मन चाहे कि आप कोई भी सब्जी इसमें ऐड करें। बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों इडली में। और अगर आप चाहते हैं कि बिना सब्जियों के रवा इडली बनाए तो दोस्तों जैसा मैंने तड़का तैयार किया ना स्टार्टिंग में, सेम उतना कर ले। और आगे जो मैं करने वाला हूँ, जो दही ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, उसको फॉलो कर ले, सब्जियों को स्किप कर दे। और दोस्तों आपकी बढ़िया तरीके से ना रवा इडली बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हमने सब्जियों को मिला दिया है। अब ना इसमें मैं 1/2 कप दही ऐड करूंगा। 1 कप हमने रवा लिया था तो 1/2 कप हम दही लेंगे। दोस्तों अगर आपका दही गाढ़ा वाला है तो 1/2 कप ले, अगर पतला दही है तो दोस्तों 1 कप दही डालें। इसमें मैंने फिर 1/2 कप पानी भी डाल दिया और इस बैटर को अब दोस्तों हम लोग मिला लेंगे। तो अब ना हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम बैटर बना रहे हैं ना उसकी कंसिस्टेंसी दोस्तों सही होनी चाहिए, नहीं तो हमारी इडलियाँ अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए मैंने इसका दोस्तों बैटर बना के तैयार कर दिया है। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट करने देंगे ताकि जो सूजी है वो फूल जाए। और तब तक हम लोग दोस्तों इडली के लिए ना पानी उबालने रख देते हैं। अब दोस्तों अगर आपके पास इडली स्टीमर है तो आप उसमें पानी डालें, नहीं तो मैंने यह क्या किया, यहाँ पे एक भवोने में पानी रखा है उबालने के लिए और उसको ढक के रख दिया है। फिर इसके बाद हम लोग जो इडली का स्टैंड है ना उस पर चलिए तेल लगा लेते हैं। तो दोस्तों जो हमने 1 कप रवा लिया ना उससे करीबन 12 इडली बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैं अपने इडली स्टैंड में दोस्तों सबसे पहले तेल लगा लूंगा। और जब तेल लगा के तैयार हो जाए ना उसके बाद हम लोग अपने इडली के बैटर में ना दोस्तों इनो डालेंगे। क्योंकि अगर हमने पहले से ही इनो डाल के रख दिया ना तो इनो बैठ जाएगा और फिर इडली भी नहीं फूलेगी और उस इनो का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो जब इतनी चीज़ें सारी तैयार हो जाए ना दोस्तों तब हम लोग इसमें इनो डाल देंगे। तो ये देखिए इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून इनो डालूंगा। और इनो में ना हल्का सा फ्रॉट लाने के लिए इसमें हम ना उतना ही 1 टेबलस्पून उसके ऊपर पानी डाल देंगे ताकि ये देखिए बढ़िया सा उसमें फ्रॉट आ जाएगा। और फिर तुरंत उसको बैटर में मिला देंगे। तो ये देखिए मिलाने के बाद हमारा इडली का बैटर तैयार है। अब इसको इडली स्टैंड में डाल दे दोस्तों और हमारे इडली बनने के लिए अब तैयार हो गई है। अब सब में आप दोस्तों 1-1 चम्मच इडली का बैटर डाल दें और फिर अपने इडली स्टैंड को दोस्तों हम बंद कर देंगे। चलिए अब इसको ना हम उबाल लेते हैं। तो ये देखिए यहां पर हमारा पानी भी अच्छे से उबल गया है।
अब हम लोग इसमें अपना ना इडली स्टैंड डाल देंगे और फिर से प्लेट से ढक के ना 8 से 10 मिनट के लिए हम लोग इसे पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे दही हैं और हमारी इडली ना पक के तैयार है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये इडली। तो चलिए अब इसे ना हम लोग निकाल लेते हैं। और उसे ना बात आती है कि हम लोग डाल के कैसे करें, अगर इडली हमारी चाकू में नहीं चिपक रही है दोस्तों, एक चाकू मतलब हमारी इडली ना बढ़िया से पक के अब तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसको ना एक चम्मच की मदद से, ये देखिए दोस्तों या फिर हमारी चाकू की मदद से रवा इडली बन निकाल ले, तैयार हो गई है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं दोस्तों चटनी के साथ और सांभर के साथ। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी इडली ना कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए आप इसको दोस्तों डायरेक्टली भी खाएं तो भी ना बहुत ही बढ़िया लगेगी। अब आप अपने घर पे ट्राई करें ये रवा इडली की रेसिपी और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर करें। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी कोई नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।